स्वच्छ भारत अभियान की यूपी के कुशीनगर में जमकर धजिया उड़ रही है। यहाँ जगह जगह गंदगी के अंबार के साथ साथ गंदे पानी का जमावड़ा भी लगा है। सीधे संवाददाता अनुराग तिवारी का रुख करते हैं। अनुराग, स्वच्छ भारत अभियान या फिर स्वच्छ बीमार अभियान, क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल सर, यही सवाल जो है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की हम बात कर लें तो स्वच्छ भारत मिशन 2014 2 अक्टूबर को मोदी सरकार के द्वारा ये योजना चलाई गई थी। इस योजना के तहत हर सड़कों को, हर गलियों, हर कूचों को जो है साफ करने की बात कही गई थी, लेकिन कुशीनगर में अगर देखें तो सरकार की ये योजना पूरी तरह से ध्वस्त होती हुई दिखाई दे रही है। अनुराग, स्वच्छ भारत अभियान है लेकिन फिर भी यहाँ के हालात बद से बदतर क्यों, ऐसा क्यों? सर, यहाँ बात करें स्वच्छ भारत अभियान की तो तमाम तरह की जो है गंदे नाली के पानी, सड़कों पे कूड़ेदान के जो भी डब्बे लगाए गए वो टूटे बिखरे पड़े हैं तस्वीरों में, जैसा कि दिखाई दे रहा है। और सर, ये जब भी हम किसी अधिकारी से इसकी शिकायत या फिर इसके बारे में कहते हैं तो तत्काल कार्रवाई की बात होती है, लेकिन उसके बाद वो कार्रवाई पड़ी की पड़ी रह जाती है और जिसका नतीजा है कि तमाम तरह की गंदगियां फैली हुई और बिना किसी शासन आदेश की। सर, हम बात करें तो अभी गांव में जो सफाई कर्मियों की नियुक्ति हुई थी वो बिना किसी शासन आदेश के पशु आश्रय केंद्रों में जो है उनको भेज दिया गया है, जिससे कि तमाम तरह की गंदगियां सर फैल रही हैं। अनुराग, आपको क्या लगता है मोदी सरकार का क्लीन इंडिया मिशन ध्वस्त होता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल सर, कुशीनगर की हम बात कर लें, रामकोला की बात करें, भुजौली बाजार, खड्डा नगर पंचायत की बात कर ले तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है सरकार की ये क्लीन इंडिया मिशन जो है ध्वस्त होती हुई दिखाई दे रही है। शुक्रिया अनुराग आपका हमसे जुड़ने के लिए। यूपी के योगी राज में बुलंदशहर में लगातार हो रहे इनकाउंटरों से अब बदमाशों को पुलिस का खौफ सताने लगा है। आज बुलंदशहर के थाना पहासू में लूट की 3 वारदातों में वांछित चल रहे बदमाश सुंदर ने खुद वैगनार गाड़ी के साथ पहुंचकर थाने में सरेंडर कर दिया। आपको सीधे संवाददाता रिजवान अंसारी के पास ले चलते हैं। रिजवान, पुलिस से भरा थाने में अचानक पहुंच गया बदमाश और कर दिया सरेंडर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में जहां पुलिस बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है, वहीं बदमाशों में पुलिस का खासा खौफ देखा जा सकता है। इसी लगातार बुलंदशहर में हो रहे एनकाउंटर के चलते बदमाशों ने अपने आपे को जेल जाना ही मुनासिब समझा। इसी तहत पहासू थाने का एक लुटेरा बदमाश सुंदर खुद पट्टी लगाकर पहुंच गया पहासू थाने। रिजवान, बदमाश को इनकाउंटर का डर था या फिर कुछ और, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे जनपद बुलंदशहर में लगातार पिछले 20 दिन में 8 एनकाउंटर हुए हैं, मुठभेड़ें हुई हैं, जिनमें 50,000-25,000 रुपए के इनामी बदमाश जेल भी गए हैं और गोलियां भी लगी हैं। इसलिए बदमाश सुंदर में पुलिस का खासा खौफ और दहशत थी, इसी के चलते वो पहासू थाने क्षेत्र में खुद अपने सीने पर एक पट्टी लगाकर, एक पंपलैंड लगाकर, उस कागज़ पर लिखवा कर कि मैं लुटेरा हूँ और मैंने लूट की है और मैं सिलेंडर कर रहा हूँ पहुँचा है। और एक चीज़ आपको और बता दें, पहासू थाने में जो इंचार्ज हैं वो MS राठौर हैं। जब ये कोतवाली थाना देहात खुर्जा में हुआ करते थे तो CO के नेतृत्व में, गोपाल सिंह जी के नेतृत्व में, MS महेश राठौर ने गौ तस्करों पर भी बड़ी सफलता हासिल की थी और गौ तस्करों पर एक लगाम लगाई थी। उनकी इस कार्रवाई पर पुलिस ने उनकी सराहना भी की थी, फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया। अब वो पहुंच गए हैं पहासू थाने पर तो वहां के बदमाशों में भी महेश राठौर का खासा खौफ देखा जा सकता है। रिजवान, बदमाश पर कितने आपराधिक मामले दर्ज थे और क्या इस बदमाश पर इनाम भी रखा गया था? इस बदमाश पर अभी इनाम की प्रक्रिया शुरू ही हुई थी। इस बदमाश पर 1 दर्जन मुकदमे करीब हत्या, लूट और चोरी के दर्ज हैं। इस पर ये 3 लूट के मुकदमों में फरार चल रहा था, पुलिस को इसकी सरगर्मी से तलाश थी, इसको डर था कि पुलिस कहीं इसको एनकाउंटर में ना मार दे, इसलिए इस पुलिस के डर की वजह से ये लूट में लूटी हुई राशि के 23,500 रुपये भी लेकर और एक तमंचा लेकर और लूट की वैगनार लेकर पहुंच गया खुद थाने। शुक्रिया रिजवान आपका हमसे जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यूपी के शाहजहांपुर की बात करते हैं जहां सड़कों की हालत बद से बदतर है। सड़कों की खराब हालत के चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हमारे संवाददाता लक्ष्मीकांत का रुख करते हैं। लक्ष्मीकांत, सड़कों की ऐसी हालत के लिए जिम्मेदार कौन है, इस पर क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश या हर जगह जो है गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि इस तरीके का कोई भी प्रयास हमारे शाहजहांपुर ज़िले में नहीं हुआ है। अगर आप चाहें तो हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से ये नीचे रोडें बनी हुई हैं, जो गड्ढे पड़े हुए हैं, इतने गड्ढे
और इसमें जो है जब बरसात होती है तो पानी भर जाता है और उस पानी से आके कई बाइक वाले या जो भी चीज़ है वो चोटिल हो जाते हैं। कभी कभी तो ये है उनको जान भी गंवानी पड़ती है। जी सर, योगी सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का वादा किया था, लेकिन सड़कों की ऐसी हालत देखकर लगता है कि वादा सिर्फ वादा ही रह गया। ऐसा ही रहता है, योगी सरकार ने तो अपने आदेश में दिया था कि हाँ हम रोडे बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए सभी को आदेश दिया, हर चीज़ है, लेकिन कहीं ना ये है कि जिले के आला अधिकारी जो हैं वो इन मामलों में कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और किसी भी तरीके की इस मामले में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, जिस वजह से शाहजहाँपुर जिले, शहर की तो बात ही छोड़िए, आसपास के कब्जे हैं, कब्जे जो कस्बे हैं, मिर्जापुर है, तिलैर है, कटरा है, जो भी चीज़ है वहाँ इस तरह की कई रोडें टूटी पड़ी हैं और इन टूटी रोडों को देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी आदेश दिया था उसकी कहीं ना कहीं जो है उनके ही अधिकारी जो है धज्जियाँ उड़ाने में लगे हुए हैं। जी लक्ष्मीकांत, अगर आपकी स्थानीय लोगों से बात हुई तो सड़कों को लेकर उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जी सर, स्थानीय लोगों में कई लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने ये कहा है कि जो भी चीज़ है इनके सब जितने भी वादे या दावे जो सरकार ने किए हैं वो सब हवा हवाई हैं और इस मामले में भी उन्होंने कोई भी कदम नहीं उठाया है। जहाँ तक है पूरी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की आती है। जी शुक्रिया लक्ष्मीकांत आपका हमसे जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आए दिन बिजली विभाग की लापरवाही से लोगों की जाने जाना आम बात हो गई है। कहीं कर्मचारियों की लापरवाही सामने आती है तो कहीं अधिकारियों की, तो कहीं हादसे होने के बाद लोगों का गुस्से का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन यूपी के देवरिया में इन हादसों से अधिकारियों को कुछ भी लेना देना नहीं। ज्यादा जानकारी के लिए नागेंद्र कुशवाहा का रुख करते हैं। नागेंद्र, लगभग 20 दिन से पुल टूटा हुआ है, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी हैं कि हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं, क्या कहेंगे इस पर नागेंद्र? जी सर, बिल्कुल कहना चाहेंगे सर, करीब एक माह पूर्व हो गया और ट्रक के टक्कर से ये जो है पोल टूटा हुआ है, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही के कारण आज भी ये पोल जो है पेड़ के सहारे, बांध के रस्सी के सहारे बिजली विभाग जो है बिजली का संचालन कर रहा है। और बताना चाहेंगे कि कई बार लोगों ने कंप्लेन भी किया है, लेकिन बिजली विभाग अभी तक जो है रुख अपनाया नहीं है, जिससे बड़ी हादसा होने के लिए जो है लोगों के अंदर डर बना हुआ है। नागेंद्र, ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? सर, इसके बिल्कुल जो है बिजली विभाग की जिम्मेदारी है, क्योंकि लोगों ने कंप्लेन भी दिया था, लोगों का कहना भी था कि जो है ये जो है और मेन रोड के किनारे हैं, लोग इसी रास्ते से आते जाते हैं, बड़ी गाड़ियां आती है, लेकिन बिजली विभाग जो है यहाँ पर कई हादसा होने के बाद भी जो है अपनी लापरवाही खत्म करने का नाम नहीं ले रहा है। नागेंद्र, अगर आपकी किसी अधिकारी से बात हुई तो उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? सर, बिल्कुल कहना था कि जो है यहाँ पर जो है बड़ी लापरवाही जो है बिजली विभाग तरफ से जो है होती जा रही है, कहीं ना कहीं विभाग जो है इसमें सुस्ती दिखा रहा है, लोग परेशान है, लोग अंदर डर बना रहता है कि कहीं कोई बड़ी हादसा न हो जाए, लेकिन इसके जो है मौन अधिकारी ही जो है इस जो है मामले के बड़े जिम्मेदार हैं। शुक्रिया नागेंद्र आपका हमसे जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ग्वालियर छतरी मंडी में स्थित नाग देवता के मंदिर में दर्शनार्थियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। आपको बता दें कि ग्वालियर का ये प्राचीन नाग देवता मंदिर है। सीधे संवाददाता योगेश का रुख करते हैं। योगेश, नाग देवता के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं बता दूं आपको कि आज सावन का तीसरा सोमवार है और साथ में आज नागपंचमी भी है, तो ये नागपंचमी त्योहार ग्वालियर में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। छतरी मंडी में स्थित एक नाग देवता मंदिर कम से कम 105 साल पुराना है, 105 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पर दर्शनार्थियों की सुबह 5 बजे से लाइन लगी हुई है। योगेश, नाग देवता के मंदिर की क्या विशेषता है, इस पर क्या कहेंगे आप? वाले नाग देवता की पूजा करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और विशेषकर नागों की पूजा बुधवार के दिन की जाती है। शुक्रिया योगेश आपका हमसे जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।